छोटा सा वीडियो है। ये वीडियो कैसा है कि इस वीडियो पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जब आप 4200 ग्रेड पे में रेलवे में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पता है कि पास दिया जाता है आपको ट्रैवलिंग के लिए। तो ट्रैवलिंग के लिए जो पास दिया जाता है तो ट्रैवलिंग के ऑल ओवर इंडिया आप 3 पास और 4 PTO दिए जाते हैं जिसके बारे में मैंने बताया। कन्फ्यूजन हो दोबारा से पूछिएगा, पास पे एक और वीडियो बना के मैं बता दूंगा। लेकिन उसके साथ एक और फैसिलिटी आपको दी जाती है, एक बाइक या साइकिल आप ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, आप एक अटेंडेंट आपके साथ ट्रेवल कर सकता है, लेकिन वो अटेंडेंट आपके साथ ट्रेवल करेगा स्लीपर क्लास में। आपका सेकंड एसी का रहेगा, आप चाहे तो थर्ड एसी में भी ले सकते हो, वो स्लीपर क्लास में। आप उसका डिफरेंस ऑफ फेयर पे करके भी उसे सेकंड एसी में या स्लीपर में नहीं ला सकते हैं, सॉरी थर्ड एसी में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो सुविधा 80 एज एंड एबव को दिया गया है, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा एजेड हैं तो वो लेके आ सकते हैं अपने साथ। लेकिन 80 एज का कन्फ्यूजन है, थोड़ा देख लीजिएगा एज का, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा बाद में। बट आपको कम से कम सर्विंग एम्प्लॉयज को नहीं है, तो सर्विंग एम्प्लॉय स्लीपर में ले जा सकते हैं अपने अटेंडेंट को। तो कई बार क्या होता है कि कई बार टीसी या कोई पूछ लेते हैं कि आप अटेंडेंट है कि नहीं है, इस तरह की चीजें। तो यह जो लेटर निकाला गया है, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म अटेंडेंट टू मीन एनी पर्सन नॉट नेसेसरली एम्प्लॉयड इन द पर्सनल सर्विस ऑफ द फर्स्ट क्लास पास होल्डर। यानी अटेंडेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि आपके यहाँ वो जॉब करता हुआ ही होना चाहिए, कि नहीं आपके यहाँ वो हेल्पिंग हैंड है, हेल्प कर रहा है, तभी वो अटेंडेंट के रूप में जाएगा। रेलवे बोर्ड हैज इशूड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड हार्डशिप ऑफन कॉज्ड बाय टीटीई टू अटेंडेंट। अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्लास पास होल्डर, जो फर्स्ट क्लास पास होल्डर है वो सेकेंड क्लास में अपने अटेंडेंट जिसे लेके जा रहे हैं उसमें वो अपने हाथ से, ये जो मैं नीचे में आप देखिएगा ये फॉर्मेट बनाया हुआ, उस हिसाब से फर्स्ट क्लास का पास नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर और डिजिग्नेशन और पास होल्डर टू द टीटी को दे सकते हैं कि ये मेरा अटेंडेंट है जो पर्टिकुलर बॉगी में कोच में ऐसे जा सके। चाहे तो 2 कॉपी बनाइए, एक अपने पास रखिए और एक उस अटेंडेंट को दे दीजिए कि अटेंडेंट को दे देंगे तो ये फर्स्ट क्लास सीट में इस सीट पे बैठे हुए, क्योंकि वह पूछते हैं कि आप अटेंडेंट हो तो फर्स्ट क्लास पास होल्डर कहाँ पे है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट में भर के 2 कॉपी में उसके पास रखिए, अपने पास रखिए। जैसे उनके पास चेक करने के लिए आएंगे तो अटेंडेंट में है तो वो अपने आईडी के साथ ये भी दिखा देंगे, तो संतुष्टि ज्यादा हो जाती है। क्या है, हम रूल से काम करें तो ज्यादा बेहतर है, और क्या दिक्कत है, रेलवे में है तो रूल से काम करेंगे तो रेलवे का ही रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा होगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और साइट पे ये मैं फॉर्म डाल दूंगा, चाहे तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे वीडियोस मैं साइट पे डाल दूंगा, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो वीडियो से डाउनलोड नहीं हो पाती है तो आप साइट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, साइट पे नंबर अपलोड कर दीजिए, मैं समय देख के ही कॉल कर पाऊंगा। इसलिए चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैं कहाँ काम करता हूँ, कैसे जाता आता हूँ, किस तरह का काम करता हूँ। जरूरी नहीं है कि स्टेशन मास्टर के जॉब में वही काम हो जो नॉर्मली सबने देखा है और वैसा ही हो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं मेरा वर्किंग कैसा है और कुछ और नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। धन्यवाद।